हरियाणा में आज पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। मुख्य रूप से आज प्रदेश भर में 75,330 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधिकार पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद जहां पानीपत में पहुंचे और लाभार्थियों को ये अधिकार पत्र वितरित किए, तो वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में अलग अलग नेता कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने अधिकार पत्र दिए। इस दौरान सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में आमजन को नई नई सौगातें मिल रही हैं। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आज तीन योजनाओं का बहुत बड़ा शुभारंभ किया गया। सबसे पहले योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन इतनी योजना, इसके अंदर बुजुर्ग को पेंशन देने का, जो विधवा थी उनको पेंशन देने का रखा गया लाभार्थियों के लिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना, इसके तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आज जिन आदमी को 600 गज के प्लाट नहीं मिले थे, उनको 1-1 लाख रुपया प्लाट लेने के लिए वो देने की व्यवस्था की। इसी तरह तीसरी योजना हमारी थी, इसके साथ मैं कहूँगा एक योजना हमारी थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना, इसके तहत 80,000 रुपया उसके मकान को उसको बनाने की व्यवस्था, उसका रिपेयर के लिए देने की व्यवस्था करी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पानीपत से योजनाओं का शुभारंभ करा। मैं इन कहूँगा हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक ही कर्तव्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा है, और मैं कहूँगा आदेश नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की एक इच्छा है, अंत्योदय जो अंतिम में कड़ी में बैठा है उस गरीब आदमी का किस प्रकार से बेनिफिट मिल सकता है। बहुत बड़े अकाली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, थैंक यू सर। देने की सारी व्यवस्थाओं देने की व्यवस्था करी है, जो बिचौलिए थे उनको खत्म करने का काम किया है, हम जारी जितनी भी योजनाएं हैं। वहीं कैथल में विधायक लीलाराम ने जाखौली अड्डा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और डॉक्टर B.R. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी पानीपत में पहुँच करके मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उसका विस्तार करने का काम करेंगे, और इसमें अनेक प्रकार की योजनाओं का लोगों के लिए घोषित की जाएंगी, और सबसे बड़ी जो जिसको हम सम्मान पेंशन बोलते हैं वो बनाई गई हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, और विदुर पेंशन, विधवा पेंशन बनाई गई हैं, जिसमें अकेले कैथल जिले की 2263 पेंशन बनाई गई हैं, जिसमें आज यहाँ 1200 बेनिफिशरी लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, और इसी प्रकार कैथल के 21 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आवास के लिए प्लाट की रजिस्ट्री दी गई है, और 21 बेनिफिशरी को ही उनके मकानों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये दिए गए हैं। आज इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने इस स्कीम के तहत पूरे हरियाणा में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बात करें यमुनानगर की, तो यहां पर GNG गर्ल्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। यहां पर कृषि मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण योजना के 4,215, डॉक्टर B.R. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के 512 और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 451 लाभार्थियों को करोड़ रुपए की सौगात के प्रमाण पत्र वितरित किए। मैं समझता हूँ कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको आज की योजना का लाभ मिला। अब जो व्यक्ति पीछे रह गया समाज में उसको आगे लेके आना ये सरकार का एक कर्तव्य है, तो सरकार उसमें लगी हुई है कि हर व्यक्ति को जो पीछे रह गया, जिसको अंत्योदय का भाव भी कह सकते हैं, या जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम कर रहे हैं वो भी है, लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई और वो योजना है कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, ताकि सब लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल देती है। इसलिए हमने एक योजना चलाई कि 1 लाख से कम आमदन वाला जो व्यक्ति है, हम 1 साल में 2 लाख परिवार हमारा टारगेट होंगे, तो उन्हें हमने उनको गरीबी से बाहर निकालना, तो हम उनके लिए लोन की व्यवस्था करेंगे और उनको किसी भी जो भी वो काम करना चाहते हैं उसके लिए लोन देंगे। उस लोन का ब्याज जो है वो सरकार देगी। जो गरीब आदमी है उसकी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि उसने केवल मूलधन वापस करना और वो पैसे से लाभ उठा के उसने गरीबी रेखा से बाहर निकलना।
इसी प्रकार से जो एच कैरन का जॉब है उसमें भी हमने ये निश्चित किया है कि अगर कोई भी गरीब आदमी उसमें अप्लाई करता है, अगर उसकी आमदनी 1 लाख से कम है तो हम उसको 30 नंबर ज़्यादा देंगे ताकि उसको रोजगार पहले मिले, और अगर उसकी आमदनी 1,80,000 से कम है तो उसको 20 नंबर ज़्यादा देंगे ताकि रोजगार उसको पहले मिले, उसके बाद दूसरे को मिले, ताकि गरीबी यहाँ से बिल्कुल समाप्त की जा सके और जरूरतमंद की मदद पहले। बता दें कि प्रदेश भर में विभिन्न योजनाओं के तहत आज 83,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपयों की राशि को एक क्लिक के माध्यम से भेजा गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव के साथ यमुनानगर से तलक भारद्वाज की रिपोर्ट।